नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे बात कर रहा हूँ। एक छोटी सी कंपनी है रेलवे सेक्टर की जिसने 20% का अपर सर्किट मारा कल, और यहाँ पे अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2010 में 3 करोड़, 2011 में 2.50 करोड़, 2012 में 1.28 करोड़, 2013 में 0.93 करोड़, 2014 में 1.87 करोड़, और 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में आप देखिए 2018 में ये 4.07 करोड़, 2019 में 7.04 करोड़, मतलब प्रॉफिट बढ़ ही रही है। मार्च 2020 में 9.73 करोड़, ज़बरदस्त बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा खाली करेक्शन आपने को देखने को मिला है मार्च 2021 में, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन था, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7.97 का यहाँ पे करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए होल्डिंग जो है, होल्डिंग कितना किसके पास पड़ा हुआ है, तो होल्डिंग की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 74%, देखिए 2019 में प्रमोटर के पास देखिए 70.94% था, और उन्होंने गिरे हुए भाव में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। देखिए मार्च 2019 में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब ये गौर करिए, कभी भी अगर प्रमोटर अगर होल्डिंग बढ़ाता है तो ये समझ लीजिए, देखिए कभी भी अगर प्रमोटर अगर अपना होल्डिंग बढ़ाता है, ठीक है, तो उस स्टॉक में तेजी भी बनने लगती है, क्योंकि प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग बढ़ाएगा तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे होल्डिंग बढ़ाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए पब्लिक ने अपनी होल्डिंग हटाई है, और यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम है BCPL रेलवे, और 9 रुपये तेज है, लगभग 20% की तेजी है, ठीक है। और जो मार्केट रेट चल रहा है 54.75 रुपये का मार्केट रेट चल रहा है, और इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे देखिए जो एनालिस्ट हैं वो 7 लोग खरीदारी की राय दे रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे खरीदारी करो, और ये एक ऐसे लेवल पे है कि आपको खरीदारी करनी भी चाहिए। और अगर हम रिटर्न की बात करें यहाँ पे देखिए तो 2 साल में इतना गिरने के बावजूद भी 2 साल में 54% का रिटर्न है, 1 साल में लगभग 40% का रिटर्न है। एयरटेल रेट से देखिए 43% का माइनस है, लेकिन 6 महीने में 21% का रिटर्न है, और देखिए 1 दिन में तो आपको मैंने बताया ही, और 1 वीक में सेम वही सिचुएशन है। लेकिन आप इस पर नज़र बना के रखिए, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए इसके बारे में और भी कुछ बता देता हूँ आपको। देखिए इस कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ही छोटा है, 91.6 करोड़, बहुत ही छोटी कंपनी है। और यहाँ पे देखिए जो स्टॉक की पी है वो 11.5 है। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो देखिए
11.1 है, मतलब लगभग लगभग उसी के आसपास है। और कंपनी का जो ROCE है यहाँ पे देखिए 17.8 है, और कंपनी की जो ROE है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 11.7 है, और कंपनी का जो EPS है अर्निंग पर शेयर देखिए 4.75 है। और कंपनी ने देखिए डेप्थ बहुत ही छोटा डेप्थ लिया हुआ है 3.15 करोड़ का, जो कि इसके ना के बराबर है, क्योंकि अगर हम डेप्थ पर इक्विटी शेयर की अगर हम बात करें तो 0.04 पर इक्विटी डेप्थ है। और यहाँ पे देखिए जो इसका ये नेट प्रॉफिट ईयरली का है, नेट प्रॉफिट ईयरली है वो देखिए 7.94 करोड़ का है, अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बात कर लें तो 3.20 करोड़ है। मतलब यहाँ पे जो इसने कर्जा लिया हुआ है, डेप्थ लिया हुआ है, वो तो क्वार्टरली में भी ये चुका देगा, मतलब क्वार्टरली के प्रॉफिट से भी कम का लिया हुआ है कर्जा, ठीक है। और देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 74% होल्डिंग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसने शेयर अपना गिरवी रखा हुआ है 36.6%, 74% तो है इसके पास लेकिन उसमें से इतने भी गिरवी रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 35 रुपये लो पे ये गया था और ज़्यादा अभी हाई नहीं गया है, देखिए 54.8 का इसने हाई बनाया अभी आज, तो करंट प्राइस जो है वो आपको मिल जाएगी अच्छे में। और इसका जो बाउंड विक हाई है वो 115 रुपये, और ये देखिए डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है, लगभग 1.10% का डिविडेंड है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, और इसके पास देखिए फ्री कैश अवेलेबल देखिए 16 रुपये का फ्री 16.5 करोड़ का कैश अवेलेबल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के माल उठाना चाहिए। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप ये चीज़ देखिए, ये चीज़ इसके पास देखिए कैश अवेलेबल तो मैंने आपको बता ही दिया, और चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ कितनी ज़बरदस्त अप ट्रेंडिंग बन रही है। लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस चार्ट में कि यहाँ पे देखिए अभी ये इतनी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, और 110 रुपये का इसने हाई बनाया था देखिए दिसंबर 2020 में, इतनी भयंकर तेज़ी देखने को मिली थी। और ये जाते जाते फिर उसके बाद वो कोविड के बाद का जो दूसरा लहर ऐसा कुछ आया, तो यहाँ पे देखिए इस स्टॉक में कंटिन्यू बहुत ही ज़बरदस्त भयंकर गिरावट देखने को मिली। तो आप अपनी नज़र बनाए रखिए और एक आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और चलिए मैं आपको एक दूसरे चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये मैंने वन डे का चार्ट लगाया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इतनी ज़बरदस्त भयंकर तेज़ी और भयंकर वॉल्यूम, देखिए ये गैप अप ओपनिंग हुई है, आप देख पा रहे होंगे गैप अप ओपनिंग हुई है, कितनी भयंकर गैप अप ओपनिंग, और यहाँ पे इतना भारी वॉल्यूम, ठीक है। और अगर यहाँ मैं वीकली चार्ट लगाऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि वीकली चार्ट में भी कितनी भयंकर तेजी और कितना ये भारी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और देखिए ये लगभग गया था 115 रुपये के आसपास,
और आप देख पा रहे होंगे ये मैंने वीकली चार्ट लगाया है और ये वीकली तेजी है, मतलब 3 वीक में लगभग ये 45 रुपये के आसपास था और ये 3 वीक में आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 100 रुपये 115 रुपये के आसपास पहुंच गया था। ये देखिए 1 वीक 2 वीक 3 वीक और ये 4 वीक में तो पहुंच गया था 115 रुपये के आसपास। इतनी भयंकर तेजी, जो तीसरा वीक था इसका बहुत ही भयंकर तेजी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर एक देख सकते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी की, फिर से अगर ये दोहरा दे ऐसी तेजी तो आपका पैसा सीधे सीधे 2 गुना हो जाएगा। देखिए मैं तो ऐसा बोलता नहीं कि आपका 2 गुना पैसा हो ही जाएगा, लेकिन अगर ऐसी तेजी आएगी तो पैसा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा शॉर्ट टर्म में यूज करें इसमें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।